हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। और फिर से मैं आपके पास एक रेसिपी लेके आ गई हूँ। आज की रेसिपी है, आपको पता ही इतनी गर्मी शुरू हो गई है तो कभी मन करता है ना कुछ चिल, कुछ ठंडा, कुछ खाने की। तो आज मैं आपके पास एक नई नई डेजर्ट लेके आ गई हूँ जो मैं आज बनाने जा रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग देख लेना। और प्लीज़ वीडियो शुरू होने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। प्लीज़ आपके साथ मैं शुरू करती हूँ आज की समर रेसिपी। तो मुझे जो डेजर्ट बनाना है तो उसके लिए मुझे चाहिए उन्हीं कटोरी सेवियाँ, देख सकते हो सेवियाँ, और आधी कटोरी मुझे चीनी चाहिए और दो इलायची, और चाहिए मुझे दूध। तो मैंने अभी गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है और मैंने कढ़ाई रख दी। मैं आज इसमें ही बनाऊंगी। तो पहले हमें दूध को अच्छे से उबालना है। तो मैंने दूध लिया है हाफ लीटर, तो हाफ लीटर में दूध डालूंगी। इलायची ली है तो मैं इसको अच्छे से कूट लूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को अगर उसके उनके मुंह में अगर दाने आते हैं तो वो उनको अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैं इसको अच्छे से पाउडर तो आप देख सकते हो अभी दूध में उबाला आ गया। तो अभी मैं सेवियाँ डाल दूंगी। इसका फ्लेम लो टू मीडियम कर दूंगी। अभी मैं इसमें शुगर डाल दूंगी। देख रहे हो कि सेवियाँ पूरी तरह से गल गई है, हैं? मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दे रही हूँ और अभी मैं इसमें किशमिश डाल दे रही हूँ और ऐसे ही मैं ढक के छोड़ दूँगी ठंडा होने के लिए। उसके बाद मैं एक घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी। वो एक घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था तो अभी एक घंटे बाद मैं इसको निकाल के आपको दिखाती हूँ। तो ये पूरी तरह से ठंडा हो गया, चिल हो गया। तो अभी मैं इसको गार्निश करूँगी। तो अब देख, और मुझे गार्निश करने के लिए क्या क्या चाहिए आपको दिखाती हूँ। डेजर्ट कैसे बना दिए। और इस गर्मी में आप अगर ये बना के खाओगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, तो प्लीज़ ये डेजर्ट आप घर में ट्राई करना और मुझे कमेंट में लिखना। अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर प्लीज़ कर देना। तो आज का वीडियो इतना सा ही। तब तक के लिए अब फिर मैं एक नई वीडियो के साथ या नई रेसिपी के साथ आपके पास आ जाऊंगी। तब तक के लिए आप खुद का ध्यान रखना, खुद से प्यार करना, सबसे प्यार करना, सबका ध्यान रखना और बाय।